देश में मंडरा रहे आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर आईबी ने 8 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। राजस्थान समेत 8 राज्यों को यह अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर समेत सूबे के कई जिलों में अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं। आतंकी हमले के मद्देनजर धार्मिक स्थल, मॉल और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आईबी के अलर्ट के बाद प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एटीएस और आईबी की पूछताछ में आईएएस कमांडर सिराजुद्दीन कई खुलासे कर चुका है। पूछताछ में सिराजुद्दीन ने बताया है कि वो रोज 5 आतंकियों से चैटिंग करता था। उससे अर्जेंटीना, सीरिया के अलावा यूएसए, फिलीपींस और इराक भी भेजा जाना था, लेकिन सिराजुद्दीन ने उस समय ये कहते हुए कुछ वक्त मांगा था कि वो हैदराबाद और महाराष्ट्र के 2-2 युवक और युवतियों को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर चुका है और जयपुर में ही रहकर अभी और सदस्य बनाएगा। टोंक के मालपुरा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं वीडियो फुटेज और सबूतों के आधार पर 25 तीस आरोपियों को धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई है। जिले के एसपी ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने मामले में कांग्रेस पार्षद का नाम आने पर पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। वहीं आरोपी नेता प्रतिपक्ष मरगूब अहमद ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है और अपने आप को पाकसा बताया है। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आईएसआई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस प्रकार के कोई नारे वारे लगाए। वैसे पुलिस के पास पूरी फुटेज है और फुटेज के आधार पर देख करके ही हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है, बाकी लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहाँ किस तरह से दिखे। तो लगभग 4 लोग तो आइडेंटिफाई हो गए, 4 लोगों को अभी भी बुला के रख रखा है ताकि सारा देखने के बाद एक तरह से 153 का जो केस है कि राज के खिलाफ एक बगावत का मामला है उसको भी है और बाकी और जो धाराएं लग सकती है वो केस बनाएंगे। देखो सामान्यतः क्या है कि कोई समाज किसी बात को लेकर विरोध जाहिर करे, ये तो सब लोग करते हैं करें। अब उसमें से कौन शरारती तत्व तो ऐसे निकले कि उस जुलूस का दुरुपयोग करके उन्होंने इस प्रकार के नारे लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जिस प्रकार भी सख्त मुकदमा बनेगा बनाया है। सूबे की वसुंधरा सरकार को रविवार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर जयपुर में जश्न की पूरी तैयारी की गई है। मौका खास है, ऐसे में दिन भी खास होना चाहिए। सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर रविवार को दिन भर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिस जनपद पर 2 साल पहले राजे ने राजस्थान की कमान संभालने की शपथ ली थी, उसी जनपद पर बेमिसाल 2 साल का मुख्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं इस दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्य सरकार की ओर से होने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगी। सरकार की दूसरी सालगिरह पर होने वाले प्रमुख आयोजन इस प्रकार हैं: अमर ज्योति जवान पर सुबह 9:15 पर सीएम राजे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी। एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। 9:30 सीएम वसुंधरा राजे इस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। ये प्रदर्शनी 16 दिसंबर तक चलेगी। रामलीला मैदान पर सुबह 10:00 राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। स्टैच्यू सर्किल पर 10:30 मुख्यमंत्री लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगी। वहीं जनपद पर सुबह 11:00 आप मुख्य समारोह का लुत्फ उठा सकते हैं। समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। अल्बर्ट हॉल में शाम 7:00 से सूफी संगीत गजल गायकी कार्यक्रम, गायक एहसान भारती और हर्षदीप कौर प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी। इन सभी कार्यक्रमों की कामयाबी की जिम्मेदारी
सत्ता और संगठन के प्रमुख लोगों ने अपने कंधों पर ली है। 13 दिसंबर का दिन राजस्थान सरकार के लिए बेहद खास है, इसलिए सरकार की कोशिश होगी कि इस दिन को खास बनाने में कोई कोर कसर ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जयपुर में सरकार के दो साल के जश्न की तैयारी पूरी हो गई है। दो साल के कार्यकाल को सीएम राजे ने कठिन बताया है। उन्होंने कहा कि जिस हाल में उनको सरकार मिला था वो स्थिति बेहद खराब थी, जिसे उनकी सरकार ने सुधारा है। अभी दो साल अपने जो पूरे हो रहे हैं, ये बहुत ही कठिन दो वर्ष निकले हैं, क्योंकि जिस स्थिति में हमको प्रदेश दिया गया था वो आप सब जानते हो कितना जर्जर था। फाइनेंशियली उसको समझना, उसको कुछ हद तक ठीक करना और फिर स्कीम्स को लागू करना, ये अपने आप में ही एक बहुत मेहनत का काम था। अब मैं समझती हूँ कि रिफॉर्म्स तो चल ही रहे हैं साइड बाय साइड, परंतु काम भी चल चुका है और कुछ दिनों के अंदर ये सब रोल आउट सबको देखने को मिल जाएंगे। नंबर वन इन द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ हाईवेज built in any state. We are number one as far as skill development is concerned. We are number one as far as Shaur Urja is concerned. We are number one according, number three according to the Reserve Bank, जहाँ investment की बात होती है, और World Bank ने हमको छठा number दिया है as far as ease of doing business is concerned. ऐसे कई काम मैंने first में और फर्स्ट 10 में आए हैं, तो राजस्थान ने कई कदम आगे बढ़ने का काम भी किया है और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में ये दिखाई देने लगेगा। एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा तो भामाशाह है। बिफोर वी कम टू एनीथिंग एल्स, सबसे बड़ा स्टेप तो भामाशाह है जो पिछले रेजिम में हमने चालू किया था और आज वो काफी बढ़ गया है। स्कीम हम लोगों ने ऑलरेडी पेंशन्स उस पर ले लिया है, हमने बच्चों के स्कॉलरशिप्स उसके ऊपर ले लिया है और अभी जो सब्सिडी के हैं वो भी उस पर आ जाएंगे। 13 तारीख को हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा। ऐसे आगे चल के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जो इस कार्ड पे आ जाएंगे और जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारा फायदा यहाँ मिलेगा। साल सरकार ने लगाए हैं वो कंडीशंस बनाने में, क्योंकि हमने पिछले बार बहुत देर छोड़ दिया था, इस बार हमने सोचा कि दो साल हम उसको कमिट करें और जमीन तैयार करने का काम हम करें। सरकार अब तैयार है पूरी तरीके से और इसलिए तैयार होने के बाद ही हमने रिसर्जेंट राजस्थान रखा, जिसमें हमने निवेशकों को इनवाइट किया। ये जरूरी नहीं है कि निवेशक को कोई हाथ मरोड़ के कह सकता है कि भाई अब आपको यहीं लगाना पड़ेगा। निवेशक तो तभी आता है जब उसको लगता है कि यहाँ पोटेंशियल है और मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। तो जब सरकार पूरी तरह से रेडी है, निवेशक पूरी तरह से रेडी है, तो मैं तो समझती हूँ कि 3,30,000 MOUs जो खुशी खुशी राजी खुशी दोनों ने साइन किए हैं, तो वो तो जमीन पे आनी चाहिए। प्रदेशवासियों को रविवार को कई स्वागत मिलने वाली है। रविवार को जनपद पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में अकेले जलदाय विभाग की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। पेयजल की ये परियोजनाएं अजमेर, झालावाड़, टोंक, जयपुर और बीकानेर जिलों से जुड़ी है, जो करीब 695,81,00,000 की लागत की है। इन योजनाओं का निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। आपको बता दें कि पेयजल विभाग की स्वागाती सूरजपुरा ट्रीटमेंट प्लांट टोंक का लोकार्पण, फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना अजमेर, हवाई क्लस्टर परियोजना पाली और गजनेर लिफ्ट कैनाल समेत बीसलपुर दूदू पेयजल योजना समेत कई और योजनाएं हैं, जिनका सूबे की मुखिया वसुंधरा राजे कल लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ दिनों में जयपुर के टोंक रोड स्थित दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे, जिसका यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह ने जायजा लिया। यूडीएच मंत्री ने बताया कि एक दो दिन में सभी काम पूरे होने के साथ ही एमएनआईटी की तरफ से बतौर सुरक्षा लोड टेस्ट लिया जाएगा, इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद सीएम राजे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि शुरुआत में इस एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहन ही चलाए जाएंगे। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के 1200 के करीब रेजिडेंट भी हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से मेडिकल कॉलेजों से जुड़े 12 से भी ज्यादा अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है।
पूरे प्रदेश पहली बार हुआ है लास्ट। ये चार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर की, जहां पर जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट की गई, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गया और उसके बाद उनका समर्थन कोटा, बीकानेर और अजमेर के भी रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं और हड़ताल पर चले गए। यह घटना है और आए दिन हो रही है और जो चार या पांच लोग इन्वॉल्व थे सीसीटीवी कैमराज में उनके फुटेज है, प्रशासन इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि रेजिडेंट पिटते हैं और 24 घंटे काम करते हैं और उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि ऐसे माहौल में वो लगातार काम करें। टोंक की 6 फर्मों की 16 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक करीब 20 करोड़ की काली कमाई सामने आ चुकी है। इसमें टोंक से 18 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा हुआ है। सूत्रों के माने टोंक में फर्मों के सीए की भूमिका संदिग्ध है। वही आयकर विभाग की टीम ने टोंक और निवाई के कई बैंकों में लॉकर भी तलाशे हैं, जिनमें टीम को कई अहम दस्तावेज और भारी मात्रा में ज्वेलरी मिली है। किशनगढ़ सेल टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने जयपुर रोड के जीवी के टोल प्लाजा पर एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में लाखों रुपए का कर चोरी कर रेडीमेड कपड़े लाए जा रहे थे। ट्रक अहमदाबाद से जयपुर जा रहा था। विभाग की टीम ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। ट्रक के सामान की कीमत लाखों बताई जा रही है। विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुश्तैनी मकान अपने नाम कराने के लिए भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग महिला के साथ उसके बेटे बहू ने मारपीट की है। खबर सवाईपुर गांव से है, जहां पर पुश्तैनी मकान अपने नाम करवाने के लिए बहू बेटों ने अपनी मां को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित की माने तो उनके पति की मौत के बाद से ही बेटे बहू प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोपी की महिला के बहू बेटे मकान ही नहीं उससे मजदूरी के लिए मारपीट करते हैं। बहरहाल फिलहाल एक मामला थाने तक में दर्ज कराया गया है। रात आखिर रात मैंने मारी है ना, सुबह मैंने मारी है ना, एंड मैंने कहा तारा मारा घर मुँह निकल, मारा बाप को घर निकल जाटू ले मुंडो फ्री सा वहाँ रान कह तू निकल तो मारा वो रही सुबह धरती फाटे जो बोली मैंने मैंने लकड़ी लकड़ी मार मैंने हुदी लाड़ी एंड मारी मूंड की मशकान मारी सात बैठ गयो मैंने गड़ी मारी मैंने मारी बेटी की मारी रुकमल ले मिली एंड 10 महीने गया एंड तारा बाप को तो थोड़ी मकान बटे निकल जाटू। झुंझुनू से सांसद संतोष अहलावत खान मंत्री नरेंद्र तोमर से मिली है। अहलावत ने खान मंत्री से 5 साल से बंद पड़े खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के सेमेल्टर और रिफाइनिंग के प्लांट को चालू कराने की मांग की है। सांसद की इस मांग पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि वो खुद या फिर उनके मंत्रालय की टीम जल्दी प्रोजेक्ट का दौरे पर जाएंगे और प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने पर विचार किया जाएगा। संतोष अहलावत ने बताया कि जल्द ही प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात करेंगे। कोर्ट में लंबित मामलों में कमी लाने, जल्द और सस्ता और सुलभ न्याय राजीनामे से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूबे में कई जगह पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 6 जगहों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां लोक अदालत लगा, जिसमें आपसी रजामंदी के बीच केसों का निस्तांतरण किया गया। नागौर, चूरू, भीलवाड़ा, रायसिंह नगर, राजगढ़ और झुंझुनू जहां पर ये लोक अदालत लगे और मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। धौलपुर के ग्राम पंचायत कुकरा मांकरा के उप सरपंच बलवंत सिंह अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। उप सरपंच कलेक्टर के सामने समस्या का समाधान नहीं कर होने पर बैठे हैं। उप सरपंच ने कहा कि कई बार कलेक्टर से मिले, उनको परिवाद दिया, लेकिन उनकी समस्याओं पर समाधान नहीं किया गया। उप सरपंच ने आरोप लगाया है कि दलित होने के कारण जिले के किसी भी अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की। बलवंत अपनी ग्राम पंचायतों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। बलवंत इससे पहले उपखंड कार्यालय पर भी धरने पर बैठे थे। प्रशासन ने जबरन मुझे 9 तारीख शाम को वहाँ से उठवा के धौलपुर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब वहाँ से आज छुट्टी मिली है तो वहाँ से मैं यहाँ पर आके बैठ गया हूँ। सीकर में SFI छात्र संगठन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के कुलपति ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया है। कुलपति के ऑफिस में नहीं मिलने पर छात्रों ने ज्ञापन चस्पा कर विरोध जताया। SFI संगठन के मुताबिक वो हाल ही में की गई फी वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि पिछले साल की तुलना में इस साल फी दोगुनी कर दी गई है, जो छात्र हितों पर कुठाराघात है। फिलहाल बड़ी फी का आदेश वापस नहीं लिए जाने तक छात्रों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। पिछले कई दिनों से लेकर इस शेखावटी यूनिवर्सिटी के कुलपति इतनी रुपयों का इस्तेमाल करती है, सरकार के रुपयों का, और विद्यार्थियों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। आज कई दिनों से SFI के छात्र
इस सरकार का विरोध करते हुए इस कुलपति को कई बार घेरा है। हाल भी डिमांड चल रही है, कल जिला कलेक्टर ने प्रदर्शन किया था बड़ी संख्या में, आज भी इस सेकाउटी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन करे। भरतपुर गए महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के एमएससी कॉलेज में छात्रों ने कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि बीएससी में 86% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पीएचडी करने तक 80,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, लेकिन नया यूनिवर्सिटी का नाम अब तक वेबसाइट में दर्ज नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है, जिस कारण कॉलेज के छात्र परेशान है। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई गई तो छात्र उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। टोंक जिले के सादत अस्पताल के मेन गेट पर पिछले एक साल से ताला लटका है, जिससे अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल के गेट में ताला लगने से कई घायल गेट पर ही दम तोड़ चुके हैं, फिर भी अस्पताल प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। वह अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता ने गंभीरता से लिया है, चिकित्सा अधिकारी को जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने वाहनों की आवाजाही से होने वाली समस्या को बड़ा कारण बताते हुए ताला लगाने की बात पर पल्ला झाड़ दिया। भौनी मंडी में राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए राज्य स्तर पर पोस मशीन का इस्तेमाल मजदूर वर्ग बुजुर्ग को परेशान कर रहा है। इन लोगों की माने तो पहले इन्हें राशन डीलर की दुकान पर लंबी लाइन में नंबर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जब पोस्ट मशीन पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलने से गुस्साए लोगों के मुताबिक कभी उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते तो कभी लोगों के कार्ड में अपने वार्ड बदले जाने की परेशानी है। वहीं कई उपभोक्ताओं का आधार पिन सही फिट नहीं होने से सैकड़ों उपभोक्ताओं को ऐसे ही लौटना पड़ता है। बांसवाड़ा के दानपुर थाने में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। युवती के पिता एक नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पहले तो मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद मामला दर्ज किया। पीड़ित के पिता ने कहा कि युवती अपने मामा के घर जा रही थी, तभी रास्ते में युवक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं सूत्रों की माने तो आरोपी मनसुख और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 का सूबे में अब कड़ाई से लागू होगा। झुंझुनू में इस अधिनियम को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आई कोऑर्डिनेटर ने एक्ट के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मामले कम हैं और हो सकता है कि झिझक के चलते मामले कम हो। इस अधिनियम को लेकर झुंझुनू में अब हर स्कूल और थाने में एक आंतरिक समिति का गठन होगा। इस महीने के अंत तक जिले में करीब 2000 समितियां बनाने का लक्ष्य है। कोटा कोर्ट परिसर में युवक से मारपीट करने के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट परिसर में अर्जुन नाम के युवक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी, जिसके बाद कोर्ट में हंगामा भी हुआ। पुलिस ने मौके से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी आज अदालत में पेशी हुई। दौसा आरटीओ ऑफिस में जनता की जेब काटी जा रही है। वाहनों के लिए जारी होने वाले नंबर प्लेट पर तय राशि से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। आरटीओ में जब कोई वाहन चालक नंबर प्लेट ले जाता है तो उससे ज्यादा पैसे वसूली जाती है, और जब कोई वाहन चालक अधिकारी से शिकायत करता है तो बड़े अधिकारी को लिखित शिकायत की बात कही जाती है, जिस वजह से दलालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्लेट लगवाने आया था, वहां से 75 रुपए की रसीद का आदेश बना के दे दिए। अब यहाँ प्लेट वाले के पास आए तो इन्होंने 450 रुपए मांगे। 450 रुपए दो, मैंने कहा 450 रुपए क्यों, 75 रुपए लेते हैं। ये बोला जी जिसके जाके शिकायत करना हो ना वहाँ कर लो। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, जो पैसे चार्ज कर रहा है वो बताएगा। अगर वो जांच में अधिक लेना पाया जाता है तो उसके खिलाफ जांच करके और जैसी भी रिपोर्ट है वो डीटीओ द्वारा भेज दी जाती है। अलवर बाईपास मटीला के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर 8वीं मंजिल पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गुड़गांव के टेरा ग्रुप की है, लेकिन मजदूरों को किसी तरीके का सेफ्टी बेल्ट नहीं दिया गया, जिस वजह से मजदूर 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। खबर है कि मजदूर बिहार के कटिहार जिले का रहने वाला था। जैसा इसके भाई ने रिपोर्ट में बताया है कि भाई हम दोनों वहां काम करते हैं, ये भी वहां तराई कर रहा था, तो तराई करने के बाद जैसे ये नीचे उतर रहा था इसका पैर फिसल गया, पैर फिसलने से नीचे गिर गया। नीचे गिरने से जो भी चोटें आई उन चोटों के कारण इसकी रास्ते में ही अस्पताल लाने से पहले से ही मौत। ये अभी तो 10-15 दिन करीब। कितने साल का था ये? ये 19 साल से ऊपर है। 19 साल से ऊपर? 19 साल से ऊपर है, देखने से नहीं लग रहा। आज के हादसा हुआ था इसके साथ जो इसी मौके पर दम तोड़ दिया।
सर वो जो है ना हम सभी लेबर को जो है तराई में भेजिए जितराय कंडू तराई में और जगह में तो सभी को लगा हुआ करके हम भी दूसरा जगह में देख रहे थे लेबर से कहाँ कहाँ अपना अपना ड्यूटी में लगे हैं या नहीं। उसके बाद में जो है अल्लाह नीचे हो गया तो हमको भी कोई लेबर वेबर खोज रहा था हम मौका मिल थे नहीं वहाँ दूसरे जगह टावर में थे हम तब जो है ना हमको जो फोन किए तो फिर हम वहाँ पर आए आने से पहले ही उनको जो है दूसरा लेबर जो है ना उठा उठा के चले आ गए। सीकर में एक निजी बस और जीप में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक दर्जन से ज्यादा के लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए श्रीमाधवपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा श्रीमाधवपुर थाना क्षेत्र के जालपाड़ी मोड़ के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि नीमका थाना से औरंगाबाद जा रही निजी बस सामने आ रही जीप से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन पलट गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। किशनगढ़ बास में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसा खानपुर के पास हुआ है जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों बाइक सवार युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है जहां दोनों घायल युवकों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसमें पवन और ओम प्रकाश दोनों घायल हो गए थे जिन्हें हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर साहब ने मत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम है बाद पोस्टमार्टम और परिजनों से पूछ गिर जाएगी। झुंझुनू के सांसद आदर्श गांव के रहने वाली मानसिक रूप से बीमार शकुंतला की इलाज सांसद संतोष शहलावत ने शुरू करवा दी है। शकुंतला मानसिक बीमारी की वजह से पिछले दो साल से अपने घर में कैद थी। इस बात की जानकारी सांसद को लगी तो वह मिलने शकुंतला के घर पहुंची। स्थिति देखने के बाद सांसद ने तत्काल चिकित्सा विभाग को भेजा और इलाज शुरू करने को कहा है। सांसद के निर्देश पर इलाज भी शुरू हो गया है। इलाज की जिम्मेदारी खुद उन्होंने उठा ली है। प्रतापगढ़ में वन संपदा की तस्करी बढ़ती जा रही है। मिट्टी की अवैध कटाई ने विभाग की नींद उड़ा दी है। वन विभाग ने तस्करों द्वारा लाई जा रही अवैध मिट्टी पर कार्रवाई की है। वन विभाग की सूचना पर नकौर वन क्षेत्र में पीछा कर दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया लेकिन चालक भागने में कामयाब रहे। मिट्टी कटाई से वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। छोटे पेड़ काटे जा रहे हैं और बड़े पेड़ों के जड़ें कमजोर हो रही हैं। सरदार शहर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अचानक से कार्रवाई की। इस कार्रवाई से दुकानदार बौखला गए। प्रशासन दुकानदारों के बीच बहस हुई। पहले नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाया दुकानदारों ने फिर से अपनी दुकान लगाई। आज प्रशासन ने अचानक से कार्रवाई करते हुए दुकान के आगे रखे सामान जब्त करने शुरू की। एसपी ने थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली है और सभी के सहयोग की अपेक्षा की। ट्रैफिक गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील की गई है। सीकर के सांवली रोड स्थित जैन मंदिर में चोरी की वारदात का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से जैन मंदिर से चोरी हुई मूर्ति बरामद की। पुलिस ने तीनों को दिल्ली के मेहरौली से गिरफ्तार किया है। तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और मेहरौली में किराए के मकान में रहते थे। तीनों अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा काट चुके हैं। पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर रही है। तीनों ने हरियाणा के शिकोहपुर में जैन मंदिर से मूर्ति चोरी की बात कबूल कर ली है। सूबे के कई इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही। कोहरे की घनी चादर के आगोश में क्या शहर क्या कस्बा और क्या गांव। इस वक्त आपको हम तीन तस्वीर दिखा रहे हैं माउंट आबू फतेहपुर और सीकर की। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ा है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। सीकर भी घने कोहरे के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सर्दी के तीखे तेवर के कारण और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही जिससे वाहन चालकों को काफी दिक्कत हुई। इधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की बात कही है। बांसवाड़ा शहर में ऊंट बाजे गाजे के साथ भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने जमकर भगवान शिव के भजनों पर नृत्य किया। इसके अलावा 500,000 हनुमान चालीसा पाठ श्रीराम कथा और 1,008 सुंदर कांड का पाठ धार्मिक किया गया। एक आयोजन कुशल बाग मैदान में किया गया जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया।